पंचांग का नौ वर्ष और रामोत्सव को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बैठक आयोजित किया गया। बैठक के उपरांत संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पराडे ने कहा कि आगामी हिंदू परिषद हर व्यक्ति अपने घरों में 5 दिए जलाकर मनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिन्हा के आवास पर राम उत्सव और हिंदी पंचांग को लेकर बैठक आयोजित किया गया। बैठक के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पराडे, क्षेत्र संगठन मंत्री केशव राजू के अलावा बिहार प्रांत के सभी जिलों के अध्यक्ष, मंत्री एवं संयोजक के साथ साथ भोजपुर जिले के विश्व हिंदू परिषद के मंत्री कमल किशोर पाठक के अलावा उपस्थित लोगों ने आगामी कार्यक्रम नव वर्ष एवं रामोत्सव पर मुख्य रूप से चर्चा की है। अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया। इसके अलावा कार्यकारिणी को और संगठित और सबल बनाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों का चयन किया गया, कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया और पूर्व पहले की भांति श्री पाठक जी और श्री पाठक जी महामंत्री तथा श्री सोनालाल जी उपाध्यक्ष, जो भी कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं या जो भी पदाधिकारी रहे हैं पूर्व के भांति ही हो रहे हैं। हमारे जिले में राम जन्मभूमि श्री विजय कुमार जी को बजरंग दल का जिला सह संयोजक, संजय भारती जी को जिला समरसता प्रमुख, विक्की गुप्ता और रोहित सिंह जी को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया और पूर्व पहले की भांति श्री पाठक जी और श्री पाठक जी महामंत्री तथा श्री सोनालाल जी उपाध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे जिला स्तर पर। बजरंग दल के पूर्व में जो भी कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं या जो भी पदाधिकारी रहे हैं पूर्व के भांति ही वो रहे। हमारे जिले में राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण हेतु जो कार्य चल रहा था उस कार्य की राष्ट्रीय स्तर पर और जिले प्रदेश के स्तर पर काफ़ी सराहना की गई, क्योंकि दक्षिण बिहार क्षेत्र में अपने जिले का जो योगदान रहा वो तीसरे स्थान पर रहा, पटना पहले स्थान पर, भागलपुर दूसरे स्थान पर तथा भोजपुर तीसरे स्थान पर रहा, जिसकी सराहना केंद्रीय स्तर और प्रांत के स्तर पर बहुत ज़्यादा की गई, सबों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही देश में अपने विश्व हिंदू परिषद के चल रहे कार्य पर कल के बैठक में पूर्ण विस्तार से चर्चा किया गया, यथा सभी और बैठक में भाग लिए जो व्यक्ति ने भाग लिया जिला के स्तर से उनको यह निर्देशित किया गया कि जिले स्तर पर प्रखंड में गांव में जाकर जो जो समितियां बनी हैं पूरे कार्यक्रम से उन्हें अवगत कराया जाए था, आगे आने वाले समस्याओं से उन्हें रूबरू किया जाए और उन्हें सशक्त किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से धर्मांतरण का कार्य, लव जिहाद का कार्य या अन्य उग्रवादी तत्वों द्वारा कार्य किया जा रहा है, इससे सबको अवगत कराया गया और सबको सशक्त और जागरूक रहने का सलाह दिया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या आपका है? मुख्य उद्देश्य चूँकि राम जन्मभूमि मंदिर के कार्य के जो संग्रहण का कार्य था उसके समापन के उपरांत एक समीक्षा बैठक प्रांतीय स्तर और केंद्र के स्तर पर हुई थी, उसी में सबको सराहना भी किया गया और नए आने वाले जो चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेज से सबको अवगत कराया गया ताकि प्रखंड स्तर पर काम नहीं, इसका इस चीज को प्रखंड और गांव स्तर तक भी जो भी हमारे स्वयंसेवक हैं, जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अधिकारी, सब लोग उसको लेकर जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और सबको बताएंगे इन चीज़ों को, सबसे अवगत कराएंगे, सबको पूरी विवरण और पूरी जानकारी। सबसे हर्ष की बात है कि हमारा जिला तीसरे नंबर पर रहा है, ये सबसे हर्ष की बात है। पूरा विश्व हिंदू परिषद पूरा मतलब साथ में आपके पूरा विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि राम जन्मभूमि विश्व हिंदू परिषद का